हरे कृष्णा राधे राधे। इस साल अधिक मास की पूर्णिमा पर कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होगी। अधिक मास पूर्णिमा में 1 अगस्त 2023 को पड़ रही है। ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाती है, उसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सत्यनारायण भगवान की बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का ही प्रतीक है, जो आप विष्णु भगवान के व्रत भी कह सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। घर की कलह कलेश दुख दरिद्रता खत्म हो जाती है। घर में खुशियाँ आती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ करके आप हल्दी कुमकुम रोली से रंगोली बना सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर चौकी लगाकर आप ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मैंने उस जगह को साफ करके यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है। आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुनी जाती है। आप चाहें तो ये पूजा पंडित जी से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो ये खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। इस तरीके से आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर आप पीले कलर का अथवा लाल कलर का वस्त्र बिछा लें और आपके पास कोई भी विष्णु भगवान की तस्वीर अथवा मूर्ति है उसको ले सकते हैं। और एक आप मिट्टी का तावे का या फिर एक स्टील का कोई भी लोटा ले सकते हैं, जिससे आप कलश स्थापित कर सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है। उसमें एक आप हल्दी की गांठ, सुपारी और कुछ पुष्प, चावल के दाने, 1 रुपये का सिक्का डालकर आप चावल रखकर श्रीहरि विष्णु के, विष्णु भगवान के आप सीधे हाथ की तरफ उसको विराजमान करिएगा कलश को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पान के पत्ते ले लिए हैं। अगर आपको किसी कारणवश पान के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अशोक के पत्तों पर चंदन तिलक लगा करके उनको तैयार कर लीजिएगा पंच पल्लव लगाने के लिए। और आप एक पानी वाला नारियल ले लीजिएगा, वो हमें पानी वाला ही नारियल लेना है। और आप कलश पर और नारियल पर कलावा बांधें। अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी भी बांध सकते हैं नारियल पर। और हमें ये हरी श्रीहरि विष्णु के सीधे हाथ की तरफ पर विराजमान करना है। आप चाहें तो नारियल को खड़ा करके भी रख सकते हैं, उसकी चोटी ऊपर करके भी रख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही होते हैं। मैंने इस तरीके से लिटा कर रखा है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चावल का आसन देकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान किया है। आप चाहें तो सिर्फ गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। और अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी तस्वीर अथवा मूर्ति नहीं है तो आप ये पूजा सिर्फ लड्डू गोपाल को बिठाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम तिल के तेल का अथवा शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जला लेंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें एक दीपक प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम चंदन रोली तिलक करेंगे सभी देवी देवताओं को। उसके बाद सत्यनारायण भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हम आपके इतने व्रत करना चाहते हैं और हमें व्रत करने की में सहायता करें। तो देखिए, यहाँ पर कलश पर भी हमें स्वास्तिक बनाना है। आप जब लड्डू गोपाल को, अग्निदेव को और लक्ष्मी नारायण भगवान को और गणेश जी को जब तिलक कर लें तो अग्निदेव को भी आपको इसी तरीके से तिलक करना है, नारियल को भी हमें इसी तरीके से तिलक करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है कलश पर। उसके बाद में हम कुछ पुष्प अर्पण करेंगे। यहाँ पर अगर आपको पीले कलर के पुष्प मिल जाते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला कलर अधिक प्रिय होता है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को और अग्निदेव को, लक्ष्मी गणेश जी को और अपने कलश पर भी हमने पुष्प अर्पण कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमें पूजा अपनी करनी है। तो देखिए, बहुत सरल विधि से मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। और देखिए, उसके बाद में हमें
वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करना है। तो आपके पास जनेऊ है तो सभी को जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है श्री हरि विष्णु को, उसके बाद गणेश जी को मैंने कलावा अर्पण कर दिया है और जनेऊ अर्पण कर दिया है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को और नारियल पर और कलश पर हम पहले ही कलावा बांध चुके हैं और लड्डू गोपाल को हमने पहले ही वस्त्र धारण करा दिए हैं। तो उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पण कीजिएगा। आप चाहें तो पूर्णिमा तिथि से एक दिन पहले आप ये तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। और लड्डू गोपाल को पंजीरी का भोग लगाया जाता है, आटे की पंजीरी बनाई जाती है, आटे को भून करके उसमें घी डाल करके, और आप चाहें तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल करके उसको भोग बनाया जाता है, उसी का भोग इसमें लगाया जाता है और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पंजीरी का भोग लगा दिया है, लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाया है, क्योंकि लड्डू गोपाल की जो प्रसाद में हमें तुलसी दल नहीं रखना है। और ऋतु अनुसार कोई भी आप फल ले सकते हैं। दक्षिणा अर्पण करेंगे, एक लोटा जल रखेंगे, दक्षिणा हमें अवश्य अर्पण करनी है। कहीं भी आप चाहें खुद से पूजा कर रहे हों सत्यनारायण भगवान की, चाहें आप पंडित जी से पूजा करा रहे हों, तो हमें ये इस तरीके से सत्यनारायण व्रत कथा आती है वो हमें पढ़नी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कथा प्रारंभ करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में पुष्प या फिर चावल के दाने या फिर आप 1 रुपए का सिक्का लेकर कथा श्रवण करेंगे। तो आपके आसपास भी जो लोग बैठे हैं उनको भी इसी तरीके से पुष्प देकर अथवा चावल देकर ही कथा श्रवण करें, क्योंकि खाली हाथ कथा श्रवण नहीं की जाती है, नहीं सुनी जाती है। तो जब कथा आपकी पूर्ण हो जाए उसके बाद जो आपने पुष्प ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु को चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो पहली आरती हम गणेश जी की करेंगे, उसके बाद मैं करूँगी ओम जय जगदीश की आरती, यानी सत्यनारायण भगवान की आरती। तो देखिए, इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सुबह के समय में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो जो आप सूर्य देवता को जल अर्पण कर देंगे, पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके सुबह पूजा की जाती है, शाम के समय में सभी परिवार के सदस्य मिलकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। खासकर अगर पति पत्नी मिलकर साथ में ये पूजा करते हैं उसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि को पूरे दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है, सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले प्रसाद खाकर आप व्रत का पारण करेंगे। कथा की पूजा पूर्ण होने के बाद में हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान सत्यनारायण का व्रत करना बहुत ही सरल होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, कथा की जाती है, पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ देकर शाम को भोजन किया जाता है। किसी कारणवश अगर आप सुबह में पूजा नहीं कर पाते हैं तो ये पूजा शाम को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपने प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट दें और फल बांट दें। आप चाहें तो दक्षिणा किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपने कलश में पानी जल रखा है तो उसको हम तुलसी या फिर क्यारी में डाल देंगे। उसके बाद जो नारियल चढ़ाया है हमने वो अगले दिन फोड़ करके सभी को प्रसाद के रूप में वितरित कर देंगे। और जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया है लड्डू गोपाल को यथा स्थान पर आप स्थापित कर देंगे और जो कपड़ा बिछाया है उसको फिर से हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से सत्यनारायण भगवान की पूजा आप घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो आपने पुष्प वगैरह चढ़ाए हैं वो आप तुलसी अथवा अगर दूसरे पौधों में भी डाल सकते हैं जिससे वो खाद बन जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीके से सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और प्रसाद में पंजीरी का आटे का प्रसाद बनाया जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।